हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ अनअकैडमी। मैं संजीव राठौर आप सभी लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। अगर आप 10 अप्रैल को NDA या CDS इन दोनों में से किसी का भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे वो NDA का एग्ज़ाम हो या फिर आपका एग्ज़ाम हो CDS का, वोकैबुलरी के क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो इन क्वेश्चंस की संख्या भी ज़्यादा रहती है आपके एग्ज़ाम में, और वेटेज ज़्यादा होने की वजह से इसमें डर भी लगा रहता है, क्योंकि इसका कोई अपना फिक्स सिलेबस नहीं होता है, इसके अपने कोई रूल्स नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपने पहले कभी NDA या CDS का एग्ज़ाम दिया है तो आप इस बात को जानते होंगे कि इसमें नए वर्ड्स की संख्या कम जबकि रिपीटेड वर्ड्स की संख्या ज़्यादा होती है। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा कि हमेशा ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा होता है कि पुराने वर्ड्स ज़्यादा पूछे जाते हैं, नए वर्ड्स कम पूछे जाते हैं। तो पुराने वर्ड्स कहाँ से मिलेंगे फिर आपको? उनके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, उनके लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं, उनके लिए आपको अपनी तैयारी को और मजबूत करना है, उनके लिए आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर के स्टडी करनी है। हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आप NDA और CDS जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वो पड़ाव हैं जो आपको ज़िंदगी में सबसे निचले स्तर से एक झटके में सबसे ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। आपको वो रुतबा, वो शोहरत, वो इज्जत हासिल हो जाएगी जो शायद आप किसी और जॉब से हासिल ना कर सकें। SSC से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ मैं NDA CDS वालों को, और हमेशा NDA और CDS के स्टूडेंट के लिए मैंने एक्स्ट्रा वर्क किया है, हार्ड वर्क किया है, मेहनत की है, और आपसे कोई गलती ना हो जाए इसके लिए एक बार फिर से मैं आपके सामने हूँ। अब इन वर्ड्स का कलेक्शन मैं आपसे कह दूँ कि आप जाओ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लो, अब इतना टाइम नहीं बचा है, तो मैं आपको एक PDF दे रहा हूँ, समझ रहे हो ना, इसका एक मैं आपको PDF दे रहा हूं, और उस PDF को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। हो सके तो इसका प्रिंटआउट निकलवा लीजिए, और उस प्रिंटआउट को कम से कम, जो PDF मैं आपको दे रहा हूं उसको कम से कम 3 बार सॉल्व करना है, एक बार नहीं। और इसमें लगभग आपके पास 2 PDF दूंगा, एक 100-100 की 2 हो जाएंगी, 200 क्वेश्चन होंगे, और उन 200 क्वेश्चन को 3 बार सॉल्व करना तो ये 200 क्वेश्चन आपके 600 क्वेश्चन के बराबर है। ये 200 क्वेश्चन कितने क्वेश्चन के बराबर है? ये 200 क्वेश्चन आपके 600 क्वेश्चन के बराबर है। और एक बात ध्यान रखना, चाहे आपके सिनोनिम्स हों या फिर आपके एंटोनिम्स हों या फिर आप idioms की बात करें, phrasal verb से related question पूछे जाते हैं, fixed preposition से related question पूछे जाते हैं, 6 सितंबर 2020 के बाद से एक trend change सा हो गया, बच्चों के मन में comprehension का डर खत्म हो गया। 6 सितंबर 2020 को एक पेपर हुआ था, ध्यान देना, NDA का, 6 सितंबर 2020 के बाद से एक ट्रेंड चेंज सा हो गया, फिर बच्चों के मन में जो पहले डर कॉम्प्रिहेंशन का रहता था वही डर आप शिफ्ट हो गया किस पे, अब वो डर शिफ्ट हो गया आकर के आपका वोकैबुलरी पर, और इसमें इसलिए डर बढ़ गया क्योंकि फ्रेजल वर्ब और फिक्स्ड प्रपोजिशन के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने लगे। वोकैब में इनकी तो इज्जत करते नहीं हम, इनकी इज्जत तभी करते हैं जब हम प्रपोजिशन पढ़ते हैं। फ्रेजल वर्ब तो मुझे लगता है कि ना कभी किसी को पढ़ने को मिलता है, ना कभी बुक्स में इतना अच्छे से फ्रेजल वर्ब दिया जाता है, और ना फ्रेजल वर्ब की इतनी इंपॉर्टेंस स्टूडेंट मानते हैं। मैं आपको फ्रेजल वर्ब का भी PDF प्रोवाइड करा दूंगा, मैं आपको फिक्स्ड प्रपोजिशन का भी PDF प्रोवाइड करा दूंगा, ये सारे PDF आपको अभी तुरंत मिल जाएंगे। जाइएगा, कहां पर जाना होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया होगा, फॉलो संजीव सर ऑन अनअकैडमी। क्या लिखा होगा? फॉलो संजीव सर ऑन अनअकैडमी, ये आपका लिखा होगा, ठीक है। इसमें जब आप जाएंगे आपको अपना गोल सिलेक्ट, भले ही आप डिफेंस के एग्जाम दे रहे हो, आपको गोल सिलेक्ट करना होगा
SSC नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम, क्योंकि मेरी जो प्रोफाइल है वो उन्हीं एग्ज़ाम्स में है, नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम्स में प्रोफाइल बनी हुई है। तो जब आप उस पर जाएंगे वहाँ से फिर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। जैसे ही आप फॉलो करेंगे उसके जस्ट नीचे लिखा होगा एजुकेटर्स कम्युनिटी। उस एजुकेटर्स कम्युनिटी पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको PDF का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, PDF का लिंक दिया जाएगा, उसे आप डाउनलोड कर लेना अपने लैपटॉप या मोबाइल में, और ज़रूरत पड़े कम से कम पेजेस में है वो। वो ऐसा नहीं है कि क्लास में 80 पेज पढ़ाए तो 80 पेज है, वो आपको कम से कम पेजेस में मिल जाएगा, ताकि आप, अगर आप में से कई लोग ऐसे हैं जो प्रिंटआउट निकलवाएंगे तो उस प्रिंटआउट की कॉस्ट ज़्यादा ना आए, पैसे आपसे ज़्यादा ना लगे, उसे डाउनलोड कर लेना, उसका प्रिंटआउट निकलवा लेना। और हाँ, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस, अपने एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, कि उनमें से 100% फिक्स प्रपोजिशन, फ्रेजल वर्ब और वोकैब के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप SSC का भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, CGL का एग्ज़ाम है 11 तारीख को, तो आप उस PDF को ज़रूर डाउनलोड करें, वहाँ उसका भी फ़ायदा आपको मिलेगा। तो इन सभी फ़ायदे उठाने के लिए आप हमें फॉलो करें और एजुकेटर्स कम्युनिटी पर अभी जाएं, तुरंत जाइए, अभी जाइए, वीडियो ख़त्म बाद में होगा, आप जाइए PDF डाउनलोड कर लीजिए जा करके, ठीक है। इसके अलावा आप सभी लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग अभी तक अनअकैडमी प्लस पे नहीं जुड़े हैं तो अनअकैडमी प्लस पर आप लोगों के लिए डेली लाइव क्लास होती हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, टेस्ट का एनालिसिस होता है, आपको पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगा, ढेर सारे ऑसम फीचर्स आपके लिए हैं। इसके अलावा आप SSC CHSL के लिए महाअभ्यास बैच ज्वाइन कर सकते हो, CGL CHSL के लिए आप सफलता बैच ज्वाइन कर सकते हो, टेस्ट सीरीज़ आपके लिए ढेर सारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, इनका आप हिस्सा बन सकते हो। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको प्रायोरिटी मिलेगी डाउट सॉल्विंग सेशन में, प्रायोरिटी मिलेगी आपको लाइव क्लासेस में, प्रायोरिटी मिलेगी आपको अनअकैडमी के ऐप में जब आप डाउट पूछेंगे, या फिर रेज ए हैंड फीचर में भी आपको प्रायोरिटी मिलेगी। अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बट आपके लिए आने वाला है और ये है आपका 24 अप्रैल को, इसमें इनरोल कर लीजिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और अनलॉक कोड आप यूज करना ये संजीव10। जब भी आपको कोई डाउट पूछना हो तो डाउट की इमेज क्लिक कीजिए, उसे सबमिट कीजिए और कुछ ही देर में आपको आपके डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। रेज ए हैंड का फीचर का यूज कर सकते हो, इसमें आप टीचर से इंडिविजुअली कनेक्ट होकर के बात कर सकते हो। जब भी आप कोई सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो प्रोसीड टू PS से पहले ये रेफरल कोड संजीव10 यूज करें। जब आप SANJEE10 इस कोड का यूज करेंगे तो आपका जो पेमेंट है वो 10% कम हो जाएगा। तो प्रोसीड टू PS से पहले इस रेफरल कोड का यूज करना ना भूलें। अगर आप यूज कर चुके हैं तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। जब भी आपको लगे कि आपको कोई टीचर इनअप्रोप्रिएट पढ़ा रहा है, गलत पढ़ा रहा है, तो आप इसकी रिपोर्ट कर सकते हो, और अगर आपकी रिपोर्ट सही पाई गई तो आप इनाम भी जीत सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका प्रिंटआउट निकलवा लीजिएगा, उससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और अपने आप को एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बेहद खास, बेहद मजबूत स्टूडेंट बना के छोड़िएगा। थैंक यू, जय हिंद।